हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेरी नाइस रिस्पांस। मुझे लगता है कि आप लोग सब सिर्फ मेरा ही वेट कर रहे थे कि कब 7 बजे और कब मैं लाइव आऊं और कब आप लोग ज्वाइन करो। सो स्टार्ट करते ही 415 422 पीपल आर ज्वाइन। थैंक यू सो मच। आज का लाइव सेशन कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जस्ट 5 मिनट सभी ज्वाइन हो जाते हैं, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी। तो उसके पहले मैं कुछ आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि कल से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हेडेक हुआ है। 500 से भी ज़्यादा कॉल लोगों ने किए हैं, इतने कॉल किए हैं। सो प्लीज़ सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं और बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो ही आप कॉल करके क्वेश्चन पूछो। अदरवाइज कॉल करके बहुत इरिटेटिंग वाले और बहुत जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो, तो प्लीज़ मेरा पूरा शेड्यूल बिजी रहता है। मेरे फुल डे में ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट रहते हैं, तो इसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। बहुत सारे लोगों के कॉल अटेंड किए हैं और मैंने बहुत अच्छे से बात की है, और सॉरी जिनके कॉल अटेंड नहीं किए या फिर जिनके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने कल, मुझे याद नहीं रहा, मैंने बताया नहीं, हिना पाउडर से रिलेटेड। तो हिना पाउडर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट थिंग है, तो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो लाइव सेशन मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं अभी जस्ट कैमरा मेरा सेट कर लेती हूँ। सो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि सबसे पहले पाउडर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सबके पेस्ट इवन बहुत अच्छे बने हैं, सबके कॉर्न भी बहुत अच्छे बने हैं, तो पाउडर में एक डिफरेंस है कि 24 आवर कौन से पाउडर को आपको भिगोना है, देन 12 आवर या 2 आवर या 4 आवर कौन से पाउडर को आपको भिगोना है। तो ये जो है मेरे 2 पाउडर है, आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस। ये 1 ईयर ओल्ड पहले का पाउडर है, देन ये न्यूली क्रॉप्ड पाउडर है जो ग्रीनिश लुक दे रहा है, देन ये जो पाउडर है वो थोड़ा येलोइश लुक दे रहा है। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि जैसे 1 ईयर ओल्ड पुराना जो पाउडर है उसको आपको भिगोना है या उसका पेस्ट बनाना है, तो थोड़ी सी उसमें रफनेस होती है, तो उसको आप ओनली 2 आवर या 6 आवर या 12 आवर ही आप उसको भिगो सकते हो। बट जो न्यूली फ्रेश्ड ये जो ग्रीनिश पाउडर है इसको आप 24 आवर या 12 आवर डाई रिलीज के लिए छोड़ सकते हो, तो उसके बाद ही स्मूथ पेस्ट बनने वाला है। देन आपका जो 1 ईयर ओल्ड या 6 मंथ पुराना जो पाउडर है, अगर आपको उसको यूज़ करना है तो भी यूज़ हो सकता है। ऐसा नहीं कि 1 ईयर पुराना पाउडर है तो वो रीयूज़ नहीं होगा। उसे आप कैसे यूज़ करोगे उसका भी मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जो 1 ईयर बिफोर का जो पाउडर है उसकी क्वांटिटी आपको 1 स्पून लेनी है, देन जो न्यूली क्रॉप्ड पाउडर है 2 स्पून उसकी क्वांटिटी लेनी है। तो दोनों पाउडर को मिक्स करके जब आप पेस्ट रेडी करोगे तो कलर स्टेन भी परफेक्ट आएगा, देन आपका जो पुराना पाउडर है वो भी रीयूज हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ऐसा आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पाउडर पुराना हो गया तो वो वेस्ट जाएगा, तो ये दोनों मैंने बता दिया है। सो मैं जस्ट 1 सेकेंड, आज का जो सेशन है डे 1 उसमें मैं सम बेसिक फ्लावर्स करवाने वाली हूँ। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स रहेंगे। ये जो मैंने राउंड सर्कल जो बनाया है ये मेरा कंप्यूटराइज प्रिंटिंग है। अगर आपको ऐसा करना है तो आप कोई भी राउंड बैंगल लेके राउंड ड्रॉ करके आप ऐसे शीट रेडी कर सकते हो, अदरवाइज आप स्केल से लाइनिंग करके बॉक्सेस भी क्रिएट कर सकते हो फॉर द प्रैक्टिस।
एंड एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के एक मैसेजेस आए हैं कि मैम प्लीज़ डू यू टेक क्लासेस इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो उनसे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं जो डोंट नाउ इंग्लिश, उनको कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में. इस वजह से मैं ट्राई कर रही हूँ कि हिंदी इंग्लिश यूज़ करूँ, बट ज़्यादातर मेरा यही मोटो है कि मैं हिंदी लैंग्वेज में ही ये क्लासेस लेने वाली हूँ. तो आपको ऐसा प्रॉब्लम है, जितना समझ में आए आप समझ सकते हो. फर्स्ट, हाँ मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर रही हूँ. मैं बेसिक फ्लावर से स्टार्टिंग करूँगी. मेरे पास फ्लावर के वेरिएशन बहुत सारे हैं, अप्रोक्सीमेट 50 से 60 फ्लावर मेरे खुद के क्रिएटिव है और बहुत सारे बेसिक फ्लावर है. तो यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको बताने वाली हूँ, बेसिक भी बताने वाली हूँ, कुछ एडवांस भी बताने वाली हूँ, टाइप्स ऑफ शेडिंग के फ्लावर्स भी बताने वाली हूँ. सबसे पहले मैं स्पाइरल ड्रॉ कर रही हूँ. कुछ लोगों को स्पाइरल ड्रॉ करना नहीं आता है, तो वो चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि स्पाइरल आप जब भी ड्रॉ करो, पेपर या हैंड पे कभी भी बना रहे हो तो उसको टच करके नहीं बनाना है. जितना हो कोन को आपको सरफेस पे टच नहीं करना है, कोन को ऊपर से ही आपको पकड़ के फिर करना है. देन सबसे मेन चीज़ कि कोन को आपको पकड़ना कैसे है. मैं बहुत नीचे से पकड़ती हूँ, आप अगर इतना ऊपर से कोन पकड़ते हो और इतने ऊपर से यूज़ करते हो तो वो आपका स्टेबल नहीं होगा और डिज़ाइन में परफेक्शन नहीं आएगा. मैं टू फिंगर्स के बीच में इस तरीके से कोन पकड़ती हूँ. तो ऐसा नहीं है कि जैसा मैं कोन पकड़ती हूँ वैसा ही आप पकड़ो, आपको ऐसा कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है आपके ऊपर. तो आपको जैसे भी कंफर्टेबल है आप वैसे यूज़ कर सकते हो. तो मैंने स्पाइरल ड्रॉ किया है. स्पाइरल में 1, 2, 3 एंड हाफ, मैंने 3 एंड हाफ लाइन जो है इसमें ड्रॉ की है. सेंटर पोर्शन में मैं फ्लो से एक डॉट क्रिएट कर रही हूँ. डॉट आपको ऐसे हल्का लाइट ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, एक साथ कोन को आपको प्रेशर करना है लाइटली, देन लाइटली आपको वहाँ से सरफेस से उठाना है. अब मेन थिंग जो है वो है हमारे स्कैलप. मेहंदी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है स्कैलप. 80% मेहंदी में स्कैलप यूज़ होते ही होते हैं, विदाउट स्कैलप मेहंदी नहीं बनाई जाती है. तो स्कैलप की प्रैक्टिस आपको कंपलसरी करनी है. स्कैलप जो मैं बना रही हूँ, मैंने जो कंटिन्यू स्कैलप ली है, ऐसा नहीं कि मैंने एक डायरेक्शन से स्टार्ट किया और उसको कम्प्लीटली फिल कर दिया है. मैंने हाफ पोर्शन से स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने स्टॉप किया है, देन अगेन हाफ, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, देन डाउन साइड स्केलप. और स्केलप घिसे हुए नहीं होने चाहिए, सरफेस को टच नहीं करना है. सिंगल स्केलप की लाइन, स्केलप ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए और गोल भी नहीं होने चाहिए. यहाँ पे मैं थोड़ी सी लंबी पेटल यूज़ कर रही हूँ जस्ट फॉर द बेसिक फ्लावर. जो बिगनर्स है उनको ये काफ़ी यूज़फुल होगा, तो उसके लिए मैंने ये सिंपल वाले फ्लावर डिसाइड किए हैं. देन अगर आपको प्रेशर से आउटलाइन बॉर्डर अगर नहीं जम रहा है तो आप यहाँ से फर्स्ट टेक्निक इस तरीके से आप ड्रॉ करके आउटलाइन बॉर्डर को आप फील कर सकते हो. अदरवाइज डायरेक्ट प्रेशर से इस तरीके से पीछे से
आपका ब्रीथिंग कंट्रोल एंड हैंड कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका हैंड स्टेबल नहीं है, हैंड कंट्रोल नहीं है, तो कोई भी चीज़ क्लियरली नहीं आएगी। तो हैंड कंट्रोल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए मैंने आउटलाइन बॉर्डर के लिए थोड़ा सा थिक कोन बनाया है, बड़े पॉइंट वाला। क्योंकि मुझे बहुत सारे फ्लावर्स करवाने हैं, मेरा सेशन बोरिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं आउटलाइन वापस से हमेशा फिनिशिंग के लिए ऐसे बॉर्डर देती ही हूँ। सो आप देख सकते हो। नेक्स्ट किसी का स्पाइरल बराबर नहीं बनता है तो एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने कोन में जितनी मेहंदी ली है, अगर आप प्रेशर छोड़ते हो तो आपका स्पाइरल बराबर नहीं बनेगा। जितना आपका पॉइंट है उतने पोर्शन में आपको मेहंदी को पकड़ के रखना है। जब तक स्पाइरल नहीं बनता है तब तक उस पॉइंट को छोड़ना नहीं है, अदरवाइज़ कहीं पर ज़्यादा मटेरियल निकलेगा, कहीं पर कम, कहीं पर पतला, तो स्पाइरल में प्रॉब्लम हो सकती है। अगेन स्कैलप में यूज़ करूँगी हाफ पोर्शन, यहाँ से मैं हाफ ले रही हूँ, देन यहाँ से हाफ, यहाँ पे मैंने डॉट क्रिएट किया है, यहाँ पे मैं विदाउट डॉट रख रही हूँ, देन स्मॉल हार्ट शेप में यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। आपको एकदम आराम से और पेशेंसली ही बनाना है। मैं स्पीड नहीं पकड़ती हूँ हमेशा, मैं बहुत स्लो वर्क करती हूँ एंड बहुत ज़्यादा पेशेंस है। तो मेरा वर्क देख के तो आपको पता होगा ही, वो फिनिशिंग ऐसे ही नहीं आती है, बहुत पेशेंस चाहिए उसमें। तो आपको भी पेशेंस रखना होगा, फटाफट वाला काम करोगे तो फिनिशिंग नहीं आने वाली है। देन आउटलाइन बॉर्डर डार्क, तो ये एकदम नॉर्मल है। मैं इसको वापस डबल लाइन लेके मैं इतना पोर्शन थिक करती हूँ हमेशा। यू कैन सी आउटलाइन बॉर्डर आपको क्रिएट करना है। आउटलाइन बॉर्डर क्रिएट करने पे आप फिनिशिंग देख सकते हो, और ये विदाउट आउटलाइन बॉर्डर है। फाइनल आउटलाइन बॉर्डर इस तरीके से क्रिएट करना है। नेक्स्ट मैं स्मॉल सर्कल यहाँ पे
ड्रॉ कर रही हूँ अगेन, उससे थोड़ी सी बड़ी वाली साइज। प्लीज लाइव सेशन चालू है, आप अभी कॉल मत करो। हाफ पोर्शन स्कैलप का, देन हाफ। अगर आप कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन से स्कैलप स्टार्ट करते हो तो स्कैलप का लुक कुछ साइड से दबा हुआ दिखेगा, और डाउन साइड जैसे आप करते हो तो सारे जो स्कैलप है स्ट्रेट ना होके वो एकदम फ्लैट हो जाएंगे। तो जैसा जैसा सर्कल है, जैसा जैसा डायरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको हाफ हाफ करके स्कैलप ड्रॉ करना है। लैंडस्केप लाइन में यहाँ पे यूज कर रही हूँ, देन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन करने से आप देख सकते हो कि स्मॉल स्मॉल चेक्स क्रिएट हुए हैं। स्मॉल क्राउन शेप में मैं पेटल यूज कर रही हूँ। नीचे से स्टार्ट करके सेंटर पॉइंट पे मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ। आपकी मिस्टेक कहाँ पे होगी, जब आप ये पेटल यहाँ से स्टार्ट करके रिवर्स अप टू डाउन जाते हो तो आपको दोनों पोर्शन नीचे से ही स्टार्ट करना है। आप देख सकते हो मैं यहाँ से नीचे से स्टार्ट अप करके यहाँ पे छोड़ रही हूँ, देन अगेन नीचे से स्टार्ट करके मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ। टू पेटल्स के बीच में एक पेटल मैंने क्रिएट की है, अगेन उसी के साथ कनेक्ट करके नेक्स्ट ये सिंपल एकदम बेसिक फ्लावर है, मैं इसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं करूँगी, सिर्फ आउटलाइन बॉर्डर से मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, जो भी फ्लावर्स आपको एम्प्टी रखने हैं उसके अंदर कोई भी शेडिंग नहीं करनी है, तो वो हमेशा पेटल्स आपको स्मॉल ही यूज़ करनी है। देन ये जो ड्रॉ वाला पोर्शन है इसके ऊपर मैं लाइटली बॉर्डर ड्रॉ करूँगी। देन ये पोर्शन को हाईलाइट कर रही हूँ मैं डार्क बॉर्डर से। ये तीनों फ्लावर एम्प्टी ही रहेंगे, बेसिक फ्लावर है जस्ट। डॉटेड मार्जिन राउंड में यहाँ पे मैं पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, ओनली फोर डॉटेड मार्जिन
मैं जूम कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखेगा कि नहीं। 795 पीपल आर जॉइनिंग, थैंक यू सो मच। डॉटेड मार्जिन के अंदर स्मॉल राउंड किसी को ब्लर तो नहीं दिख रहा है ना? अब दिख रहा होगा तो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि कमेंट सेक्शन भी ऑफ रखा है मैंने। मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, स्मॉल स्मॉल राउंड यूज की है मैंने। देन आउटसाइड सरफेस पे कौन टच करके डॉट 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 लाइक थोड़ा सा मैं शेडो वाला लुक दे रही हूँ, वो डॉट से ही आएगा। आपके डॉट ऐसे फटाफट फटाफट नहीं होने चाहिए। एकदम आराम आराम से सरफेस पे टच करके मैं डॉट क्रिएट कर रही हूँ। अगेन वापस से जो डॉट मैंने क्रिएट किए हैं उसी के ऊपर वापस से मैं वन टाइम इस तरीके से डॉट क्रिएट कर रही हूँ, तो इससे थोड़ा सा शेडो वाला लुक दिखेगा। एट वन सेवन पब्लिक बढ़ते जा रही है, वेरी नाइस, थैंक यू। देन हार्ट शेप ले रही हूँ मैं, लाइक हार्ट शेप आपको ऐसा नहीं यूज करना है। ओके, वेवी शेप में मैंने हार्ट शेप लिया है। दो पेटल्स के बीच में एक हार्ट शेप में क्रिएट कर रही हूँ रैंडम डायरेक्शन में। स्ट्रेट डायरेक्शन नहीं है, आप देख सकते हो कोई भी शेप स्ट्रेट नहीं है। जो लोग पोस्ट टैग करने वाले हैं उन लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आज मेरा लाइव सेशन ख़त्म होगा, उसके बाद आप जो भी चीज़ बनाते हो, जो भी इंस्पायर होके जो भी क्रिएट करते हो, कल अगले दिन 12 बजे तक ही आपकी पोस्ट एक्सेप्ट की जाएगी। 12 बजे के बाद मैं कोई भी पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो 12 बजे से पहले जिन जिन की पोस्ट मेंशन हो जाएगी उनकी पोस्ट मैं कर दूँगी अपलोड। यहाँ पे मैं हल्के हाथों से अप टू डाउन लाइन क्रिएट कर रही हूँ, हाफ इस साइड से जैसा मेरा शेप है उसके अकॉर्डिंग, देन हाफ उसका अपोजिट। बहुत लाइटली हैंड को आपको यूज़ करना है, एकदम हार्ड हैंड नहीं यूज़ करना है, अदरवाइज ऐसा लुक नहीं आएगा। नेक्स्ट हाफ डायरेक्शन लेफ्ट साइड, हाफ डायरेक्शन राइट साइड, अगेन लेफ्ट, सॉरी राइट है, ये है लेफ्ट। तो हाफ ऑफ करके कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे 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 करके पूरे शेप में लाइन कर देते, कोई डायरेक्शन ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको फ्लावर को बहुत अच्छा दिखाना है, बहुत सुंदर दिखाना है, तो थोड़ा पेशेंस से काम करना होगा और लाइटली हैंड को रखना है।
अप टू डाउन मैं लाइन क्रिएट कर रही हूँ, मैं डाउन टू अप नहीं ले रही हूँ। आप देख सकते हो जहाँ से मेरा शेप है अप टू डाउन, ऐसे मैं लाइन क्रिएट कर रही हूँ। बहुत लाइट है तो ये शेडो का लुक देगी। डार्क लाइन के भी मैं फ्लावर्स बताऊंगी, उसका लुक कैसा आएगा वो आपको पता चल ही जाएगा। अगेन लेफ्ट साइड देन राइट साइड। लेफ्ट देन राइट। और किसी भी डायरेक्शन में आपको पेपर को घुमा घुमा के नहीं करना है, आपको हर डायरेक्शन में सिर्फ हैंड का ही यूज़ करना है, चाहे अपोजिट हो, चाहे डाउन हो, चाहे अप हो। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे मेरा पेपर में किसी भी डायरेक्शन में गोल गोल नहीं घुमा रही हूँ, मैं अपने हैंड से ही सब कुछ कर रही हूँ। अगर आप ऐसे लाइन क्रिएट करते हो तो इस फ्लावर का परफेक्ट स्टैन आने वाला है। अदरवाइज़ अगर आप पूरा सरफेस को टच करके घिस के काम करते हो तो कलर स्टैन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कलर स्टैन तो आएगा बट सेकेंड डे थर्ड डे थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। देन इस हाईलाइट पार्ट को वापस से ड्राई होने के बाद डॉट डॉट करके मैं फिर से हाईलाइट करूंगी। फाइनल मेरा आउटलाइन बॉर्डर, इसके बिना तो मेरा काम नहीं चलता है। देन जो फर्स्ट स्टेप है इसके बॉर्डर को मैं ओनली वन टाइम मीडियम बॉर्डर दे रही हूँ, इसको मैं हाईलाइट नहीं करूँगी। सो देख सकते हो आप हाउ इज दिस लुक। नेक्स्ट बड़ा सा यहाँ पे मैं राउंड यूज कर रही हूँ, देन इसके अंदर ट्रायंगल शेप, कॉर्नर कॉर्नर करके ट्रायंगल इस तरीके से क्रिएट किया है मैंने। ध्यान से देखना, फर्स्ट राउंड स्टेप ली है मैंने, अंदर से स्टार्ट नहीं हुआ है, आउटसाइड से स्टार्टअप किया है। देन यहाँ से मैं थोड़ी सी लंबी सी पेटल यूज़ कर रही हूँ राइट साइड में। अगेन उसके अपोजिट सेम वही पेटल यूज़ कर रही हूँ। अप साइड दो हार्ट शेप, डाउन साइड थोड़ी लंबी सी पेटल। आपको इतना फ्लावर अच्छा लगता है तो आप इतना यूज़ कर सकते हो। मैं एकदम डाउन साइड एक पेटल स्मॉल और यूज़ करूँगी। देन लाइटली अब फर्स्ट जो मैं यहाँ पे शेडिंग यूज़ करने वाली हूँ वो है अप टू डाउन जिगजैग शेडिंग, जो मैं घिस के कर रही हूँ सरफेस को टच करके अप टू डाउन। एक ही डायरेक्शन में हैंड को आपको घुमाना है। सेकेंडली थोड़ा थोड़ा सा एरिया, वाइट एम्प्टी स्पेस यहाँ पे मैं रख रही हूँ।
then zigzag shading. शेडिंग कितने टाइप की होती है? बेसिकली फर्स्ट जो है वो zigzag शेडिंग मैंने यहाँ पे यूज़ की है फॉर द बिगनर्स, वो सबके लिए मैं भी ईजी होगी. ऐसे लंबा लंबा करके घिसना है. देन आउटलाइन बॉर्डर, आपका कहीं पे बॉर्डर में प्रॉब्लम होता है, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला ऐसा कुछ होता है, तो आप इस तरीके से ड्रॉ करके फिर उसके अंदर फील कर सकते हो. दिन जो बॉर्डर आपके लाइट है उनको वन टाइम वापस से थोड़ा सा लाइटली कर रही हूँ मैं, ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी. सो देख सकते हो आप. नेक्स्ट मैं सेम स्टेप वापस से लूँगी. जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वापस से देख लेना. फर्स्ट मैंने राउंड ड्रॉ किया है, देन ट्रायंगल, कॉर्नर कॉर्नर यहाँ से टच करके, देन ये जो पोर्शन है इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा आउटसाइड बॉर्डर देके लीव्स का शेप, पेटल्स का शेप दे रही हूँ मैं, थ्री पेटल्स का, 1, 2, 3 जो आउटलाइन सर्कल जो मैंने बनाया था उसकी थ्री पेटल्स यहाँ पे क्रिएट की है. देन वेवी शेप में मैं यहाँ पे पैटर्न ले रही हूँ, लाइक हार्ट शेप लेते हो उसी का थ्री पेटल में. अगेन टू पेटल्स के बीच में एक पेटल, कंप्लीटली रैंडम डायरेक्शन में. तो इसमें मैं शेडिंग का कुछ दूसरा तरीका बताने वाली हूँ. तो ये मैंने आउटलाइन बॉर्डर दिया है तो मैं शेडिंग करूँगी तो वो आउटलाइन बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा रिमूव हो जाएगा, तो मैं उसको थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ. तब तक हम नया फ्लावर क्रिएट करते हैं. स्मॉल मीडियम 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 राउंड. स्केलप की लाइन, हाफ पोर्शन, डाउन साइड टू हाफ पोर्शन, अपसाइड, देन अगेन डाउन साइड. लैंडस्केप लाइन, पोर्ट्रेट लाइन, वन वन बॉक्स को मैं फील करूंगी, वन बॉक्स को एम्प्टी छोड़ रही हूं.
लंबी पेटल यूज कर रही हूँ, राउंड शेप में, हाफ राउंड शेप में। मैं हमेशा फाइनल लाइन क्रिएट नहीं करती हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शेप छोटा बड़ा ऐसा कुछ लगता है तो मैं एक बार रफली हमेशा ड्रॉ करती हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है गैपिंग प्रॉब्लम है ऐसा कुछ भी है तो मैं उसको करेक्ट कर लूँगी। देन लाइन, लाइटली लाइन की शेडिंग दे रही हूँ। सेंटर पोर्शन में एम्प्टी रख रही हूँ, जैसा मेरा शेप है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रोक जैसा लाइट लाइन क्रिएट कर रही हूँ मैं। आप देख सकते हो ध्यान से कि मैं स्ट्रेट लाइन नहीं ले रही हूँ, जैसा मेरा शेप है उसके अकॉर्डिंग ही मैं लाइन क्रिएट कर रही हूँ, अप टू डाउन। अगेन अप टू डाउन। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, फ्लावर अगर आप शेडिंग में या ऐसा कुछ लाइन वाला बनाते हो तो बहुत लाइटली हैंड को यूज़ करना है, और ऐसा नहीं है कि एक पेटल आपने बहुत अच्छी बना ली तो सेकंड में थोड़ा सा डार्क फिलअप हो गया तो वो फ्लावर अलग, वो पेटल अलग से ही शो होगी। देन अपोजिट डायरेक्शन में सो आप देख सकते हो आउटसाइड बॉर्डर, सेंटर पोर्शन पे मैं थिक कर रही हूँ। मेरी डिज़ाइन तो मैं स्टार्ट करूँगी लेकिन उसके पहले मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बेसिक नॉलेज भी हो कुछ बेसिक। वैसे तो बेसिक मेरा बहुत लंबा चलता है बट सम 5 to 7 डेज विल ट्राई टेक टू बेसिक। ओके सो डन। नाउ अब हम इसमें करेंगे शेडिंग। फर्स्ट यहाँ पे मैं ईयरबड यूज़ करूँगी
ईयरबड से शेडिंग कैसे करनी है। आप अपनी फिंगर पे या कहीं पे भी सरफेस पे थोड़ी सी मेहंदी निकाल के देन, ज़्यादा मेहंदी में नहीं इसमें लूँगी, बहुत लाइटली, अप टू डाउन। स्ट्रोक जैसा सेंटर पोर्शन से स्टार्ट करके एक पोर्शन में पूरा कंप्लीट करती हूँ। अगेन सेकेंड, और एक चीज़ और, आप रेगुलर फ्रेशली कॉर्न यूज़ करोगे तो डिज़ाइंस काफ़ी अच्छी और ब्यूटीफुल बनेगी। अदरवाइज एक दिन कॉर्न बनाया और नेक्स्ट डे आप उसी कॉर्न को रीयूज़ करते हो, रीयूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट कैसा है जो फिनिशिंग चाहिए वर्क में वो नहीं आएगी। मैं तो नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे तो नहीं अच्छा लगता है। तो आप फाइनल ये शेडिंग का लुक देख सकते हो, अभी काम इसमें इनकम्प्लीट है। अब मैं इस पे आउटलाइन बॉर्डर क्रिएट करूंगी। फर्स्ट जो पेटल थी मैं उसको लाइटली वन टाइम बॉर्डर क्रिएट करूँगी। सो आप ये शेडिंग का लुक देख सकते हो, देन ये लाइट लाइन वाली शेडिंग का लुक, देन ये जिगजैग वाली शेडिंग का लुक। स्पाइरल, देन यहाँ से मैं पेटल्स कनेक्ट कर रही हूँ लाइक रोज फ्लावर की तरह। वापस से वन एंड टू एंड थ्री पेटल्स, थ्री पेटल वाला ही मैं यहाँ पर शेप यूज़ कर रही हूँ पेटल का। अप टू डाउन जिगजैग ये भी शेड है, सरफेस को टच करके अगर आपने एक बार कॉर्न स्टार्ट कर दिया है तो उसको स्टॉप नहीं करना है। इफ़ अगर आप स्टॉप करते हो तो हो सकता है कि वहाँ पे आपकी मेहंदी का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा निकल जाए, थोड़ा डार्क पोर्शन हाईलाइट हो जाए। सो कंटिन्यू, कंप्लीट करना है उसको।
फुली शेप को मैंने कंप्लीट किया है जिगजैग शेडिंग से। आउटलाइन बॉर्डर देन अब मैं बताऊंगी लाइन वाला फ्लावर। स्मॉल राउंड रैंडम शेप में यहाँ पे वापस यूज करूंगी। डाउन साइड इसमें मैं फाइन लाइन क्रिएट कर रही हूँ इस तरीके से लेफ्ट राइट स्ट्रेट लाइन नहीं यूज कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू शेप। लाइन 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 ये लाइट लाइन नहीं है। देन सेंटर पोर्शन में थिक यहाँ से कम यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम बॉर्डर में क्रिएट कर रही हूँ। ऊपर की साइड वापस आउटलाइन बॉर्डर ये मैं हमेशा ही करती हूँ मुझे अच्छा लगता है। ये वाला बॉर्डर जो है वो नॉर्मल डॉट 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 डॉट। सो इसमें मैंने लाइन यूज़ की है देन इसमें लाइट लाइन यूज़ की है तो ये शेड का लुक देगा और ये लाइन का लुक देगा। दोनों में बहुत डिफरेंस है आप देख सकते हो। जहाँ पे आपको लाइट शेड में फ्लावर यूज़ करना है वहाँ पे इस टाइप की शेडिंग यूज़ करनी है। जहाँ पे थोड़ा सा डार्क हैवी लुक देना है वहाँ पे आप लाइन यूज़ कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा डार्क फ्लावर यहाँ पे आप लोगों को सिखाऊंगी। मेरा रोज़ वाला फ्लावर स्पाइरल में हमेशा 3-4 लाइन होनी चाहिए। 3-4 लाइन का स्पाइरल अच्छा लगता है। जब आपको बिग साइज़ का फ्लावर यूज़ करना है तो वहाँ पे आप 5-6 स्पाइरल की लाइन यूज़ कर सकते हो। तो मैं हमेशा 3-4 लाइन का ही स्पाइरल यूज़ करती हूँ। देन ऊपर के साइड से फ्लैट लुक में मैं पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ। थोड़ा सा स्पेसिंग रख के यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ। थोड़ा सा स्पेसिंग रख के राइट साइड में मैं पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ। दो पेटल्स के बीच में मैंने स्पेसिंग रखी है। यहाँ पे मैं वेवी शेप में
पेटल क्रिएट कर रही हूँ। ये दो पेटल्स के बीच में जहाँ पे गैपिंग है वहाँ से न्यू पेटल स्टार्ट करनी है। आपकी मिस्टेक इस फ्लावर में कहाँ होगी वो भी मैं बता देती हूँ। आप इस टाइप से कुछ बनाओगे, सॉरी दिखा नहीं, इस टाइप से कुछ बनाओगे तो ये गलत है। मैं जो बता रही हूँ वो हल्का सा वेवी शेप है। ये देख सकते हो पॉइंटेड शेप में मैंने नहीं क्रिएट किया है, थोड़ा सा वेवी शेप यहाँ पे लिया है। अगेन ये दो पेटल्स के बीच में वापस स्पेसिंग है तो फाइनल मैं राउंड शेप में पेटल यूज़ करूँगी। देन यहाँ पे भी मैं राउंड शेप में पेटल यूज़ करूँगी बट थोड़ी सी फ्लैट लुक। देन इसका फाइनल आउटलाइन बॉर्डर राउंड शेप में, क्रिएट करना है। अगर आपका आपके फ्लावर का राउंड शेप में बॉर्डर नहीं आता है तो दैट मीन्स कि आपका फ्लावर कहीं ना कहीं गलत है, या पेटल्स आपने थोड़ी सी थिक यूज़ कर ली है, या पेटल की साइज़ थोड़ी सी बड़ी यूज़ हो गई है, तो ये आउटलाइन बॉर्डर आपका राउंड नहीं आएगा। तो ये राउंड आना चाहिए। देन इसको फिलिंग ऐसे ऐसे करके फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं करना है, जैसे हमने शेप ड्रॉ किया था लाइटली। फर्स्ट मैं लाइटली प्रेस कर रही हूँ, सेकंड स्टेप में मैं सेंटर पोर्शन में मैं थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा कर रही हूँ, देन यहाँ पे वापस से लाइटली। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा, देन यहाँ पे कम। तो ये फ्लावर एकदम कम्प्लीटली अच्छा भी लगेगा और इसके कलर स्टैंड में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा शेप क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे उसमें फिलअप कर रही हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट पे मेहंदी का पेस्ट कम यूज़ करना है, सेंटर पोर्शन पे ज़्यादा, देन एंडिंग पोर्शन पे वापस से कम। इसमें जो मैंने टेक्निक यूज़ की है वो ट्रेडिशनल टेक्निक है जो टोटली मैंने ड्रॉ करके बनाया है। सेम यही फ्लावर मैं आपको गल्फ टेक्निक से बताती हूँ, जिसमें मैं कोई भी पेटल को ड्रॉ नहीं करूंगी। ये टोटल गल्फ टेक्निक से आप जब काम करते हो तो टोटली डिपेंड ऑन प्रेशर, कि आपका जो कोन का प्रेशर है वो कैसा है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। इसमें हैंड कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। यू कैन सी दोनों में बहुत डिफरेंस है।
ये टोटल प्रेशर से ही होगा, कहीं पे लाइट कहीं पे ज़्यादा। देख सकते हो ट्रेडिशनल टेक्निक देन गल्फ टेक्निक। ये यहाँ पे मैंने टोटली पेटल्स ड्रॉ करके बनाई थी, ये टोटल यहाँ पे मैंने प्रेशर से ही यूज़ करके बनाया है। डायरेक्ट फाइनल आउटलाइन बॉर्डर बना के हम देखते हैं ये हमारा फ्लावर राइट है या रॉन्ग। तो ये परफेक्ट है राउंड शेप में। देन नेक्स्ट फ्लावर, स्मॉल सर्कल लेके मैंने उसको फील किया है। अगेन पतली वाली लाइन राउंड शेप में फिर से, देन स्कैलप, स्मॉल हार्ट शेप, कहीं पे भी स्पेसिंग नहीं रख रही हूं मैं, कनेक्ट करके ही बना रही हूं। दो पेटल्स के बीच में एक, फिर कंटिन्यू उसको करना है। इसमें भी मैं शेड की टेक्निक बताने वाली हूँ। तो मैंने फर्स्ट ईयरबड यूज़ किया है, यहाँ पे मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो, कोई भी ब्रश का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, पेंटिंग ब्रश, ड्राइंग ब्रश, फ्लैट लुक, राउंड, ऐसा कोई भी ब्रश चलेगा शेडिंग के लिए। सो मैं थोड़ी सी मेहंदी लेके डाउन टू अप क्योंकि ये ड्राई नहीं हुआ है, इसलिए ये थोड़ा थोड़ा रिमूव हो रहा है। तो जब भी आपको शेडिंग करनी है, जो भी आप फ्लावर आउटलाइन बॉर्डर जब बनाते हो तो उसको 5 मिनट रख के आपको उसको ड्राई होने देना है, उसके बाद आपको शेड क्रिएट करना है, अदरवाइज़ थोड़ा शेड रिमूव हो जाता है, सॉरी आउटलाइन रिमूव हो जाएगी उसकी। डाउन टू अप, अब इसको वापस से फाइन लाइन देनी है। तो आप देख सकते हो
जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है, मैं जूम इन कर रही हूँ, आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट सारे फ्लावर्स के।